SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. बहुत बड़ी खबर 5 अगस्त आज देखिए दर्शकों 5 अगस्त के दिन एक इतिहास रचा गया है और भारत ने 2020 ओलंपिक में हॉकी में ब्रॉन्ज जीत लिया है। हम सभी उस लम्हे के साक्षी बन रहे रवि जिस लम्हे बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। 41 साल का सूखा 1980 में आखिरी बार हमने गोल्ड जीता था और 1980 के बाद अब 2021 41 साल का सूखा खत्म 5-4 से भारत जीतता है। शिवेंद्र जी हमारे से जुड़े हैं। रवि पहला रिएक्शन आपका क्या है? शिवेंद्र आपका भी रिएक्शन जाएंगे। क्या कर रहे हैं यार हिलाना उसको मत ही खुशी दे आंसू है माता जी तड़ी दुआवां दा हज़र सी ठीक है माता जी सेलिब्रेशन होगा अभी हाँ होगा मुबारकबाद चालीस साल बाद पहली यार खेडे पहली यार इना इथे तक पहुंचे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेरे पुत ते जिम्मेवारी थी। मेरा पुत बहुत घबराया होया सीगा बहुत ज्यादा हां जी हां जी हां जी लै गया सब बच्चिया ने सारे बच्चिया ने बहुत वधिया खेडे बहुत वधिया खेडे सारे बच्चे बहुत खुशी वाली गल है। मैं कहूंगी उदो भी जित के आ उदो भी हुण ब्रॉन्ज मेडल लिया उदो गोल्ड मेडल लेके आ। बात हुई थी यार मनप्रीत ने क्या कहा था तुझे माता उसने कहा भी मैं माता खेलन चलिया तो यहाँ पर माता जी को आप सुन रहे थे वो कह रही थी बहुत बढ़िया खेला जी और यही बात सच है क्योंकि 41 साल के बाद भारत ने इतिहास रचा है। हम सभी उस पल के साक्षी बन रहे हैं जहां भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। आपको बता दें कांस्य पदक के लिए भारत और जर्मनी के बीच में मुकाबला था और इस मुकाबले को भारत ने 5-4 से जीतकर इतिहास रच दिया है। हम सभी इस बात को बार बार कह रहे थे कि ये 41 साल का सूखा है ये आग जो है ये भारत को एज देती है और वो दिखाई पड़ा फर्स्ट हाफ में पिछड़ने के बाद। उसके बाद भारत ने क्या शानदार कमबैक किया पूरे मैच में उसके बाद पकड़ बनाए रखी और आखिर में जब धड़कनें बढ़ रही थी तब हम वहां पर जीतते हुए नजर आए और अब खबर यही है कि इतिहास के हम और आप दोनों साक्षी बन गए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रवि मेरे साथ बने हुए हैं शिवेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं और कई और ओलंपियन भी हमारे साथ हैं कई और द्रोणाचार्य अवार्डी सम्मानित लोग हमारे साथ हैं तो तमाम लोगों के पास हम जाएंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके पास हम जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर खबर हम आपको बता दें कि भारत ने इतिहास रच दिया है और हम और आप दोनों उस पल के साक्षी हैं। और आज एक और खास बात है आज 5 अगस्त है 5 अगस्त का दिन भारत के लिहाज से 2019 में भी शानदार था और अब जब 2021 में हम हैं तब भी ये हमारे साथ शानदार है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए मोहित आपके साथ जो गेस्ट है जरा उनसे खड़ा-खड़ रिएक्शन लीजिए क्योंकि 41 साल का सूखा जो है वो खत्म हो गया है धड़कनें मेरी बड़ी हैं जरा वहां से भी रिएक्शन दिखाइए। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था जब जर्मनी को 4 मिनट पहले मैच खत्म होने से 4 मिनट पहले पेनल्टी शूटा माफ कीजिएगा पेनल्टी कॉर्नर मिला तो सब लोग घबरा गए थे। लेकिन फिलहाल जो परिवार है
कैप्टन मनप्रीत सिंह का। मैं इस वक्त जालंधर के मीठापुर में मौजूद हूं। जालंधर से 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं और मीठापुर गांव में कप्तान मनप्रीत सिंह के घर पे मौजूद हूं। उनके पारिवारिक मित्र हैं, लगातार यहां पर जो मौजूद थे चेयर अप कर रहे थे परिवार के लोग, उनको लगातार फोन बजे जा रहा है उनका। आप ये बताइए, फोन कंटिन्यू बज रहा है? जय सर, कंटिन्यू बज रहा है फोन और सभी के फोन आ रहे हैं और सभी बधाइयां दे रहे हैं हमको कि टीम 40 साल बाद जीती है तो सभी के। और माताजी मनजीत कौर, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया, इस वक्त उनको मिठाई खिलाई जा रही है। माताजी, आपकी आंखें नम है, जो मेहनत आपने की, मनप्रीत ने आज उसका फल मिला है? मिल गया जी, आज फल मिल गया। आज मैं बहुत ज्यादा, मेरा दुनिया के नाम ऊंचा, जो जो मनप्रीत ने मेरे ना वादे किए वो मैं पूरे कर देते हैं। सवेरे 4 बजे आपकी बात हुई थी, सवेरे 4 बजे क्या कहा था आपको मनप्रीत ने? मनप्रीत नु 10 साल 12 साल हो चले आ इंडिया की टीम च गए नु, जदो टूरनामेंट खेडन जांदा उदो उन्हें मेनू फोन करना हुंदा भी माता मैं चले आ। आज क्या बात हुई? आज भी इसके बाद ही माता उठ खड़ी हो ते 3:48 हो गए, उठ के स्नान कर, पाठ कर ते हजूर साहब बाबा जी नु फोन करो कि अरदास करन मेरी। उन्होंने मेरी अरदास, बाबा जी बलविंदर सिंह ने अरदास की, आज मेरी कामयाब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, आज मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली। ये देखिए, एक माता की आंखों के आंसू से अंदाजा लगा सकते हैं मेडल कितना बड़ा है परिवार के लिए। खुशी के जो पारिवारिक, मैं आपको बता रहा था, परिवार में सिर्फ घर पे मनजीत कौर माता जी मौजूद हैं। जी, ये आंसू भी हम देख रहे हैं और ये आंसू खुशी के हैं। देखिए, झूमते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं हमारे पास।